Om Hu Akbar, Om Hu Akbar. Breaking live of Maulana and Mufti on my channel, Ex-Muslim Sahil Official. Stay tuned. अस्वीकरण डिस्क्लेमर। हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक। जय हिंद, आदाब, सलाम, प्रणाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एक्स मुस्लिम साहिल ऑफिशियल पर। उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे। दोस्तों, अगर मेरी आवाज आ रही है तो प्लीज कंफर्म कर दीजिए ताकि आज का सिलसिला हम शुरू कर सके। कौन कंफर्म कर रहा है? भोंसले फैमिली साहब ने कंफर्म किया है आ रही है आवाज। करना भाई ने भी कंफर्म किया है, क्या बात है। ऑन टाइम जिहाद, हाँ आज मैं ऑन टाइम आ चुका हूं। तो भाई लोग, जितने लोग देख रहे हैं वीडियो को लाइक और शेयर कर दे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सके। और अपडेट ये है कि आज की जो मेहमान है, गेस्ट है, नाजिया इलाही खान, वो अभी 9-10 मिनट में ज्वाइन करेंगी। थोड़ा सा उनको डिले हो चुका है, हम उनका इंतजार करेंगे। मीनवाइल यार, हम देख रहे थे मैच उस दिन बड़ी शिद्दत के साथ और काफी उम्मीदें लगी हुई थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम जीत नहीं पाए। बड़ा दुख हुआ, गम हुआ, क्योंकि जिस तरीके से हमारी टीम ने इस वर्ल्ड कप में खेला था, सारी मैचेस हमने जीते सेमीफाइनल तक, लेकिन फाइनल में आके गड़बड़ी हो गई। अब उसमें मसला ये है कि यार, ये एक गेम है, ठीक है, कोई भी गेम जो होता है, स्पोर्ट्स जो होता है, उसमें हार जीत चलती रहती है। अब उसमें किसी ना किसी को जीतना है, किसी ना किसी को तो हारना है। प्रॉब्लम ये है कि स्पोर्ट्स में हार को हम इतना पर्सनल क्यों ले लेते हैं। अब तक जिसके गुणगान गा रहे थे, कई सारे लोग उनको गालियां देने लगे इंडियन क्रिकेट टीम को, तो मेरे हिसाब से ये सही तरीका नहीं है। वी नीड टू अप्रिशिएट देम। हाँ, द नो क्रिकेट प्लीज भाई, अभी थोड़ा मेहमान आए तक हमें कुछ ना कुछ तो बोलना पड़ेगा ना, तो मैं सोचा अपने दिल की बात आप लोगों के सामने रख दूँ। उसके बाद तो फिर मेहमान हमारी आ जाएंगी, तो उनसे जो है वो एक्चुअल डिस्कशन हम शुरू करेंगे। तो मामला ये है कि भाई, गेम को गेम की तरह लो। और यार, मैच फिक्स था, ये कैसे आप कह सकते हैं मैच फिक्स था? कौन फिक्स कराएगा मैच? ऐसे नहीं होता है भाई। ठीक है, हमको जो है वो पता नहीं है ना फिक्स था या नहीं था। अगर वो सामने आएगा कि फिक्स था तो हम बोल सकते हैं ना, ऐसी तो नहीं उठे छुटे जो है वो बोल देंगे कि मैच फिक्स है, ऐसा नहीं होता यार। तो वी नीड टू टेक दिस एज अ गेम। उसमें होता है हार जीत, ये सारी चीजें चलते रहती है। दूसरी चीज ये कि मैंने एक शॉर्ट अपलोड किया हुआ है जयपुर डायलॉग समिट का, तो उसको आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। कोई मॉडरेटर होगा, करना भाई अगर लिंक शेयर कर सकते हो उस शॉर्ट का, तो आप प्लीज शेयर कर दीजिएगा ताकि जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा है वो भी देखे। और इसके साथ साथ इंस्टा पे भी मैंने एक रील अपलोड की है। इंस्टा पर भी अपनी प्रेजेंस बनाना बहुत जरूरी है, वहां पे ज्यादा लोग लाइक और शेयर नहीं कर रहे वीडियो को, तो इंस्टा का लिंक मैं आप लोगों के साथ अभी थोड़ी देर में शेयर करता हूँ। वहां पे कई सारे मोमिन हजरात जो है, और यंगस्टर मोमिन हजरात जो है वो इंस्टा पे एक्टिव है, तो वहां से उनको इस चैनल तक लाना भी जरूरी है।
तो आप लोग, अगर आप लोगों ने इंस्टा पे मुझे फॉलो नहीं किया, और अच्छा इसमें दुख की बात यह है कि कोई मेरे नाम से इंस्टा पे अकाउंट चला रहा है और उसके 23,000 फॉलोअर्स हो गए उसमें, कुछ 22,000 या 23,000, और जो एक्चुअल अपना अकाउंट है मेरा ऑफिशियल अकाउंट, उसमें तकरीबन सिर्फ 6,000 या 7,000 ही फॉलोअर्स है। तो आप लोग जितने लोग देख रहे हैं, जरा इंस्टा के अकाउंट को मेरे फॉलो कर लीजिए। करना भाई इंस्टा का अकाउंट जो है वो भी आप शेयर कर दीजिए, ताकि लोग जिनको नहीं पता है वो जुड़ जाएंगे। ओके, नाजिया जी रेडी है। नाजिया जी अभी आ जाएंगी। मीनवाइल आप लोगों ने अगर इंस्टा का अकाउंट फॉलो नहीं किया है तो प्लीज कर ले। व्हाट्सएप चैनल पर मैंने लिंक शेयर किया हुआ था, ये लीजिए मैं फिर से कर देता हूं आप लोगों के सामने, एक मिनट दीजिएगा मुझे। हाँ भाई लोग, जितने लोगों ने इंस्टा का अकाउंट मेरा फॉलो नहीं किया है वो जरा फटाफट कर ले, ये मैंने लिंक शेयर कर दिया है। जल्दी से जल्दी इंस्टा का अकाउंट फॉलो कर ले आप। और नाजिया जी बस एक दो मिनट में ज्वाइन कर लेंगी, उनका मुझे मैसेज आया है। तो आप लोगों ने अगर वीडियो को अभी तक लाइक और शेयर नहीं किया है तो जल्द से जल्द करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े। ये लीजिए, ये फिर मैं शेयर कर देता हूं। आय हाय हाय हाय, मेहमान भी हाजिर हो चुकी है, क्या बात है। तो भाई विदाउट एनी डिले आप सभी लोगों के सामने हम प्रस्तुत करना चाहते हैं हमारी बड़ी ही जबरदस्त मेहमान जो हमेशा हमारे चैनल पे आते रहती है, ब्यूटीफुल ब्यूटी विद ब्रेन, आई शुड से ब्यूटी विद ब्रेन। अच्छा, ब्यूटी ब्रेन और उसके बाद एडिशनल हिम्मत, ताकि लोग जो है ना डर जाए इनसे। तो नाजिया जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अगेन। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट साहिल मुझे बुलाने के लिए। ब्यूटी विद ब्रेन तो ठीक है, पर डरते हैं लोग रियली? ये तो मुझे नहीं पता था। बहुत डरते हैं। कैसी है आप नाजिया जी? ऐसा लग रहा है कि हम आज जो है ना कोर्ट में मुकदमा लड़ रहे हैं, आपको देख के ऐसा लग रहा है। हाँ, आज आप मुझे कोर्ट के टाइम पर बुलाए हैं ना, तो हाँ, इन किताबों में ही मैं धसी रहती हूँ, मरी रहती हूँ, तो इसलिए आपको भी ऐसा फील हो रहा है कि आप कोर्ट के किसी लाइब्रेरी रूम में बैठे हुए हैं। हाँ, गुड। तो नाजिया जी, आज का जो टॉपिक है मैंने आपसे डिस्कस किया हुआ था, तो हाँ, एक मोहतरमा है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा अभी, लोग उनको थंबनेल में देख सकते हैं। तो मोहतरमा शायद एक्स मुस्लिमों से उनको काफी तकलीफ हुई है, मैंने आपको वीडियो भी भेजा था वो। तो अच्छा, मोहतरमा कह रही है कि हम जो है वो हेट स्पीच फैला रहे हैं, हेट फैला रहे हैं और गलत चीजें प्रेजेंट कर रहे हैं, क्या है पूरा मामला? ये मोहतरमा अचानक से ऐसे आके, और ना उनसे हमारे बारे में कुछ सवाल किया गया था, लेकिन खुद से होके ही उनका ये सारी चीजों का कहना, क्या है पूरा, आप क्या समझती है इसको? कौन से चैनल पे उन्होंने कहा है? आरजू जी के चैनल पे, मतलब पाकिस्तान के चैनल पे। जी जी, तो पाकिस्तान में ऑनर किलिंग होती है लड़कियों की, छोटी छोटी बोटियां कर दी जाती है लड़कियों की ऑनर किलिंग के नाम पर, और आई थिंक 2700 लड़कियां हर महीने बोटियों में कन्वर्ट कर दी जाती हैं। 2012 में तो 4 बहनों की बोटियां घड़े और सुराही से निकली थी, और फेफड़े और कलेजे वो पाकिस्तान के पहाड़ी इलाके के गटर से निकला था। तो क्या उन मोहतरमा ने आरजू जी को इस बारे में पूछा कि वहां पर ऑनर किलिंग बंद करने के लिए क्या कार्रवाई की जा रही है? जी, नहीं पूछा है उस वीडियो में, तो नहीं पूछा है, क्योंकि पाकिस्तान के नेशनल कमीशन जो है वो बहुत चिंतित है, यूएन जो है वो बहुत चिंतित है,
कि इस्लाम के नाम पर जो लड़कियों का, मुसलमान लड़कियों का जो ऑनर किलिंग हो रहा है, उसकी वजह से पाकिस्तान बहुत बदनाम है। पाकिस्तान तो खैर बहुत सी चीजों के लिए बदनाम है, ठरकबाजी के लिए बदनाम है, बम फोड़ने के लिए बदनाम है, हलाल 72 वर्जिन हूरों के लिए बदनाम है, पर ऑनर किलिंग एक ऐसा जुर्म है और निकाह मुत्ता के नाम पर जो लड़कियों के साथ पॉक्सो एक्ट का वायलेशन किया जाता है, उसके बारे में क्या उन मोहतरमा ने आरजू जी से पूछा कि नहीं पूछा? बिल्कुल नहीं पूछा, बिल्कुल भी नहीं पूछा। अच्छा, अब बात आती है कि क्या उन मोहतरमा ने आरजू जी से ये पूछा कि कंटिन्यूसली वर्ल्ड कप के दौरान चाहे जावेद मियां दाद हो या शाहिद आफरीदी हो या रमीज राजा हो या अब्दुल रजाक हो या इंजमामुल हक हो, इन्होंने बहुत अभद्र ओछी छिछोरी टिप्पणियां हमारे भारत के बारे में और भारत के मशहूर एक्ट्रेसेस के बारे में और हरभजन सिंह जैसे बड़े खिलाड़ी के बारे में, विविट रिचर्ड के बारे में, नीना गुप्ता के बारे में इतनी अभद्र टिप्पणियां और डेफिमेटरी लैंग्वेजेस और स्टेटमेंट्स उन लोगों ने पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पर बैठकर गौर तालाब किया है और ठहाके लगाए हैं, हंसी लगाई है, इस बारे में उन मोहतरमा ने आरजू जी से पूछा कि आप कितने बदतमीज हैं आपके यहाँ के मेन स्ट्रीम मीडिया? पूछना चाहिए था उनको, क्योंकि सवाल तो एक्स मुस्लिम का भी नहीं था, पर उन्होंने जवाब तो एक्स मुस्लिम का दिया ना। बिल्कुल, तो अगर सवाल आरजू जी ने ऑनर किलिंग का नहीं पूछा था तो वो अपनी अपनी बात तो रख ही सकती थी, क्योंकि वो मोहतरमा मुझे कहीं ना कहीं दिख रही है कि उनको सवाल से कोई मतलब नहीं होता है, उनको अपने मन और अपंग जवाब से ज्यादा मतलब होता है। अच्छा, मतलब यहाँ भी दिमागी अपंगता कहीं ना कहीं नजर आ रही है आपको। अब आती है बात साहिल के, एक्स मुस्लिम होना और अपनी आइडेंटिफिकेशन को चिल्लाकर ये कहना कि यस आई एम एक्स मुस्लिम, दिस इज नॉट क्राइम। मैं जेंडर से, बाय जेंडर मैं फीमेल हूँ, मैं एक औरत हूँ, और मैं कहीं पर भी चिल्ला करके कह रही हूँ कि मैं एक औरत हूँ, दिस इज नॉट क्राइम। हमने हालिया में एक महीना पहले सुप्रीम कोर्ट में देखा था सेम सेक्स जेंडर वाले अपने अपनी पिटिशन को लेकर के काफी परेशान थे सर्वोच्च न्यायपालिका में, दिल्ली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। हालांकि जजमेंट उनके हित में नहीं आया है, लेकिन फिर भी वो अपनी हिम्मत नहीं छोड़ रहे हैं और सेम सेक्स मैरिज को लेकर के वो अभी भी अपनी याचिका दायर कर रहे हैं उसको और बेटर करके। तो क्या LGBTQ वाले अपनी सेल्फ आइडेंटिफिकेशन को छुपाने के लिए कुछ षड्यंत्र रच रहे हैं, या उनको डिफेम करने वाले के ऊपर या उनको मलाइन करने वाले के ऊपर क्या भारत के संविधान ने कोई केस मुकर्रर नहीं किया है? बिल्कुल किया है। भारत का संविधान एक प्रोस्टिट्यूट को भी प्रोस्टिट्यूट कहने मना करता है। एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ भारत, आप एक प्रोस्टिट्यूट को सोशल वर्कर कहिएगा, आप उसको प्रोस्टिट्यूट नहीं कह सकते हैं। अब बात आती है कि जितने भी एक्स मुस्लिम हैं, मैंने उनमें एक चीज तो देखी है कि पहले वो अपनी लाइफ में बड़े इस्लामिक प्रीचर रह चुके हैं, इस्लामिक दावत देना, इस्लामिक बातें करना, पांच वक्त नमाज पढ़ना, इस्लाम की दावत करना और रोजा नमाज करना, नफिल नमाजों को भी ना छोड़ना, नफिल रोजों को भी ना छोड़ना। तो काफी डीप डाउन गए हैं, काफी डिग आउट किया है, काफी ट्रुथ को समझा है, बूझा है, और एक प्लेटफॉर्म के माध्यम से अवेयरनेस का काम कर रहे हैं कि हमने ये सीखा, हमने ये समझा, तो हम आपको भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे लीगल प्रोसेस से ये कोई क्राइम तो नहीं लग रहा है, किसी भी तरीके से नहीं लग रहा है। अब बात आती है कि जिन मोहतरमा ने आरजूदी के साथ बैठ करके ये बात कही है, क्या उनको राइट टू डिग्निटी पार्ट ऑफ आर्टिकल 21 कॉन्स्टिट्यूशन, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस के बारे में पता था कि नहीं पता था? ये मुझे नहीं पता है, शायद नहीं पता होगा,
तभी उन्होंने एक्स मुस्लिम को टारगेट किया है। और याद रहना चाहिए उनको कि मोर देन 1 करोड़ पॉपुलैरिटी इस भारत में अब एक्स मुस्लिम की हो चुकी है, तो माइनॉरिटीज का एक बड़ा हिस्सा अब एक्स मुस्लिम भी हो चुके हैं। तो जो एडवांटेजेस सरकार की तरफ से, जो फैसिलिटीज और जो फ्लेक्सिबिलिटीज फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की माइनॉरिटीज के सारे लोगों को मिलती आ रही है, वो जनहित याचिका दायर करने के बाद एक्स मुस्लिम्स भी हासिल कर सकते हैं। और एक्स मुस्लिम भी माइनॉरिटीज का एक बड़ा महत्वपूर्ण पार्ट बन सकते हैं। और आज भी उनके लिविंग को, उनकी लिविंग स्टैंडर्ड को, उनके डिग्निटी को, उनके फ्रीडम ऑफ स्पीच को, उनके फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को कोई भी हैम्पर नहीं कर सकता है। अब एक सवाल साहिल आपसे, मैं मानता हूं कि आप कोई धर्म नहीं मानते हैं, पर क्या आप भारतीय नागरिक हैं, आप वोट करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल भारतीय नागरिक है। क्या आप संविधान मानते हैं? यस, संविधान हमारे लिए सबसे ऊपर है। बहुत खूब, तब तो फिर वो महिला को जवाब मिल गया। अगर संविधान आप मानते हैं, तो अगर मौलाना मदनी और मौलाना साजिद रशीदी और उस मोहतरमा के पास अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, तो आर्टिकल 21 के द्वारा आपके पास भी फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। अब बात आती है कि वो ये कह सकती हैं, या बहुत लोगों ने आपको इस चीज के लिए टारगेट किया है कि आपने YouTube के माध्यम से लोगों को बहकाने का काम स्टार्ट किया है जी। तो उसका तोड़ आता है, मैं क्योंकि आप संविधान मानते हैं, आप कोई धर्म नहीं मानते हैं, तो आज मैं सारी बात संविधान से ही करूंगी। आर्टिकल 19 क्लॉज जी, राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस, एज वेल यूट्यूबर इज ऑल्सो अ बिजनेस, सो यू कैन डू, सो यू कैन डू। अच्छा नाजिया जी, बहुत जबरदस्त तरीके से आपने हमारा जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या राइट्स है, वो सारी चीजें बताई। लेकिन अगर ये मोहतरमा वाकई में पढ़ी लिखी है, इंटेलेक्चुअल है, तो ये ऐसे क्लेम या इस तरीके के इल्जाम कैसे लगा सकती है कि मैं उन्होंने मेरे चैनल का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने ये कहा जरूर, शी वॉज रेफरिंग टू माई चैनल ओनली, क्योंकि सबसे बड़ा चैनल एक्स मुस्लिम मेरा ही है और मेरा ही चैनल बैन हुआ है। तो उन्होंने ये इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया कि भाई ये जो शख्स है एक्स मुस्लिम बना बैठा है, ये मुसलमानों के लिए हेट फैला रहा है, हिंदू कम्युनिटी खास करके उनके अंदर मुसलमानों के लिए नफरत आ रही है, और मोदी गवर्नमेंट ने मेरे चैनल को बैन करवाया। अगर वाकई में मोहतरमा इंटेलेक्चुअल है, तो ये इस तरीके की बातें कैसे कर सकती है? मुझे बड़ा अजीब लगा, और मुझे अजीब साहिल आपकी बात पे लग रहा है कि आप, इसका मतलब है कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी की नजरों तक पहुंच चुके हैं। क्योंकि हम तो मेहनत करते हैं ना, हम तो दिन रात स्ट्रगल करते हैं, ढेर सारी पब्लिक गैदरिंग की स्पीचेस देते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी की नजरों में आए, वो समझें कि हाँ नाजिया जो है वो बहुत अच्छा काम कर रही है और शायद पार्लियामेंट जाने का मौका मिल जाए। क्योंकि मैं तो बहुत ट्रांसपेरेंट हूँ, मैं तो सब बातें खोलकर बोलती हूँ, मुझे वो ढकी छुपी बातें बिल्कुल पसंद नहीं आती हैं। पर आप तो ना किसी पार्टी में हैं, ना किसी पॉलिटिक्स में हैं, और ना ही किसी रिलीजन को बेस करते हैं, और ना ही किसी रिलीजन को मानते हैं। अगर आप मानते हैं तो भारत के संविधान को सिर्फ मानते हैं, और भारत के संविधान को मानने के द्वारा आप अपने भारतीय होने का अधिकार वोट करते हैं और उसको पूरा करते हैं। तो इसका मतलब है कि आप इतना खूबसूरत काम कर रहे हैं कि मोदी जी की नजरों तक आप पहुंच चुके हैं। अब बात आती है कि वो मोहतरमा इंटेलिजेंट हैं कि नहीं है। अगर वो मोहतरमा वाकई इंटेलिजेंट होती, तो जो सवाल उनसे किया जा रहा था आरजू जी के चैनल पर, जवाब वही आता, उड़ करके कहीं से अद्भुत जवाब नहीं आ जाता। और अगर जवाब आना ही था, और अगर आप टारगेट कर रहे हैं मुसलमानों को, तो मैं पूछना चाहती हूँ
कि 14 नवंबर चिल्ड्रन डे वाले दिन, जो मामू नेहरू का जन्मदिन चिल्ड्रन डे मनाया जाता है, 14 नवंबर 2023 को 2:42 पे अशफाक आलम को सेंटेंस टू डेथ पेनल्टी मिली है, एक 5 साल की बच्ची का बलात्कार करने के लिए। तो क्या इसको किसने बहकाया होगा? बहुत बहुत जेन्युइन सवाल, इसको किसने बहकाया होगा? अच्छा, हम लोग का होता क्या है ना कि कभी कभी हम लोग वुमेन्स डे पर या डॉक्टर्स डे पर या ऐसी चीजों पर हम लोग जेल विजिट करते हैं, तो हम देखते हैं कि बलात्कारी भी वहां पर नमाज पढ़ रहे होते हैं अंदर में, हाँ। जेल के अंदर। तो वो तो प्रॉपर मुस्लिम है, नमाज पढ़ रहे हैं, तो फिर उन्होंने बलात्कार कैसे किया? तो चले हम इसको इस अंदाज से समझाते हैं कि एक्चुअली में मुसलमानों के लिए ना शैतान और अल्लाह दोनों बहुत मेहरबान है। पहला कि जैसे ही शैतान हावी होता है तब ये बलात्कार कर देते हैं, और मजे का ही काम है ना, जब भी आप देखो मदरसे वगैरह में जब अनल सेक्स करके कोई मौलवी पकड़ाता है, मार खाता है, लुंगी खोल करके मारा जाता है उसको, या कोई इस्लामिक प्रीचर जब लड़की छेड़ता है या मदरसे में मोलेस्टेशन करता है या लुंगी उठा करके अपने औजार दिखाता है छोटी छोटी बच्चियों को, तो ऐसी बहुत सारे केसेस जो होते हैं वो अलग अलग स्टेट में, राज्य में चल रहे हैं। इवन मेरे चैम्बर में भी ऐसी कई फाइल है जो मौलवी मुल्लाओं पर चल रही है। तो इनका इनकी एक अभद्र स्टेटमेंट होते हैं कोर्ट के अंदर, और ये कहते हैं कि नहीं शैतान हावी हो गया था। तो मतलब कितना मजेदार शैतान है कि हावी होता है तो ये खुद से खुद को पीटता नहीं है, ये अनल सेक्स करता है या किसी बच्ची का बलात्कार कर देता है। और जब इनके ऊपर इस्लाम हावी होता है तो ये 4 शादियां करते हैं या बदन में बम लगा करके खुद को फाड़ देते हैं और साथ साथ मासूमों की भी जान ले लेते हैं 72 वर्जिन हूरों के लिए। तो क्या इनको भी साहिल जैसे किसी यूट्यूबर ने बहकाया है, या इस्लामिक प्रीचर हाफिज सईद और तारिक मसूद और अजमल कसब जैसे लोगों ने बहकाया होता है? साहिल यूट्यूबर लोगों को ये बता रहा है कि 72 वर्जिन हूर नहीं है, ये झूठ है, इसलिए अपने बदन पे बम लगा करके ना अपनी जान लो और ना ही दूसरों की जान लो। तो दिस इज अ सोशल वर्क ना। हाँ, नहीं, उनके नजर में ये हेट फैलाना है, मतलब अच्छी बातें करना ये हेट फैलाना है, हेट है। अगर साहिल यूट्यूबर अपने चैनल के माध्यम से ये बता रहा है कि लौंडियों और बांदियों को बेच करके, अगर कभी किसी मजहब की किताब में ये लिखा गया है कि लौंडियां और बांदियां बेचो और असलाह और घोड़े खरीदो, तो औरत का जो वैल्यू बताया गया है वो गलत है। औरत एक बहुत ही वैल्यूबल और बहुत ही इज्जत वाली एक अशरफुल मखलूकात में उसको जोड़ा जाना चाहिए। जैसे सनातन धर्म में देवियों की पूजा होती है, उसी तरीके से हम भी बीबी खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में, वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर के बीबी मरियम अलैहिस्सलाम के बारे में बात कर सकते हैं। तो अगर साहिल ये बात कर रहा है तो आई डोंट थिंक कि साहिल हेट फैला रहा है। मुझे तो लग रहा है कि साहिल बहुत बड़ा सोशल वर्कर है। मुझे तो लगता है कि साहिल इज अ सोशल वर्कर। इवन साहिल, तुमको अपने अपने आप को यूट्यूबर नहीं कहना चाहिए, तुमको अपने आप को एक मोटिवेशनल स्पीकर कहना चाहिए और तुमको अपने आप को एक सोशल वर्कर कहना चाहिए कि मुस्लिम इस्लाम और मुस्लिम समुदाय में और मुस्लिम समाज में जितने भी यंगस्टर्स को मौलवी मुल्ला बहकाते हैं, 72 वर्जिन गुरुओं का लालच देते हैं, बीवियां होते हुए भी 4 शादियों का मशवरा देते हैं, अगर साहिल उनको ये समझा रहा है कि ये गलत है, तो यू आर अ बेस्ट सोशल वर्कर, यू आर बेस्ट सोशल वर्कर। मेरे हिसाब से तो मेरे फंड के तरफ से मैं तुमको अवार्ड वगैरह देना चाहूंगी। क्या बात है, बहुत जबरदस्त। और आपकी ये बात बिल्कुल सही है, मैं अपने आप को कभी यूट्यूबर नहीं कहता। ये तो मोहतरमा ने वो शायद टैग लगा दिया यूट्यूबर का। मैं वाकई में एक एक्टिविस्ट समझता हूँ अपने आप को, और मेरा ये मानना, और मैं कई जगह पे बोल चुका हूँ कि तो मैं एक एक्स मुस्लिम एक्टिविज्म कर रहा हूँ, तो इट्स पार्ट ऑफ माई एक्टिविज्म, इस तरीके की बात करता हूँ मैं। यूट्यूबर मैंने अपने आप को कभी नहीं कहा है। तो ये बात आपकी बिल्कुल सही है,
नाजिया जी, और कई लोग कह रहे हैं कि हो सकता है मोहतरमा लाइव सुन रही है, तो मैं मोहतरमा को दावत देना चाहता हूं, मैंने ट्विटर पे भी उनको दावत दिया था कि इन केस आपको लगता है कि आपकी बात सही है और हम गलत प्रचार कर रहे हैं या गलत तरीके से बयानी कर रहे हैं, तो मैं आपको इनवाइट करना चाहता हूं, अगर आप अभी जुड़ना चाहती है तो मैं अभी आपको लिंक शेयर कर दूंगा। अगर आप कमेंट में हाई लिख के बोल दे कि मुझे लिंक शेयर करो, हम आपको आने का मौका देंगे, अपनी बात रखने का मौका देंगे, क्योंकि नाजिया जी आपको पता है साहिल के चैनल पर एक तरफा बात नहीं होती है, साहिल हमेशा हमेशा मोमिनों को मौका देता है कि भाई आओ, अगर हम गलत है तो आप अपनी बात को सही साबित करो, तो मोहतरमा को भी लगता है तो वो आ जाए। साहिल, नाजिया इलाही खान अगर तुम्हारे साथ तीन बार बैठी है तो बहुत ही सारे सत्य और तथ्य को नाजिया ने इंक्वायरी की होगी, तभी नाजिया बैठ रही है, अदरवाइज बैठाने के लिए तो बहुत लोग परेशान होते हैं, पर बहुत सी चीजों को देखने के बाद हम उसको इग्नोर भी करना पड़ता है हमें, क्योंकि हम एक रिनाउंड पब्लिक फिगर भी हैं, तो हमें उसके लिए भी बहुत सारी चीजों को नजरअंदाज करना पड़ता है। पर साहिल, आपके साथ मैं इसलिए बैठती हूँ कि मैं आपको कोई एक्स मुस्लिम मुस्लिम नहीं मानती हूँ, मैं आपको एक सोशल एक्टिविस्ट मानती हूँ और एक ऐसा भारत का व्यक्ति मानती हूँ जो संविधान को अपनी पलकों पर और अपने सिर माथे पर बैठ करके लेकर बैठा है, और उस मोहतरमा के हिसाब से तो अब आप भारत के प्रधानमंत्री जी के खास नजरों में हैं, तब तो मैं आपसे और भी ज्यादा टच में रहूंगी। अब और एक बात मैं आपको कह देना चाहती हूँ कि आपने इस्लाम तो छोड़ दिया पर दावत देने की आदत आपकी जा नहीं रही है। नहीं जाती है वो नहीं जाती है, ये जो तबलीगी कीड़ा है ये नहीं जाता है। तो काइंडली ये दावत देने की आदत आप छोड़ दें, आप तमाम एक्स मुस्लिम का एक ह्यूज एक ह्यूज पॉपुलैरिटी है और एक ह्यूज सर्कल बन चुका है, और इसको डेविस्टेट करना या इसको रुइन करना ये बहुत टफ हो चुका है, बहुत टफ हो चुका है, क्योंकि जितने सत्य आप कुरान के पन्नों को सामने में रख करके दिखाते हैं, असली हदीस को रख करके दिखाते हैं, ये हिम्मत अगर वाकई में उन तमाम मुल्लाओं के अंदर है जो भारत में बैठे हुए हैं या भारत से लेकर कश्मीर तक बैठे हुए हैं, तो वो आ करके किसी मंच पर मेरा ये जवाब दे देना। मैं तो तुम्हारी तरह कोई मतलब वैसी वाली मुस्लिम तो नहीं थी कि हाँ भाई मैंने मतलब मैं शहादा करती थी, मैं इस्तकारा करती थी और मैं तहज्जुद पढ़ती थी, नहीं, आई एम अ नॉर्मल मुस्लिम, मैं 5 वक्त नमाज पढ़ती हूँ, और मैं नमाज के दायरे में मुझे जितनी चीजों को हराम और हलाल समझना चाहिए मैं वो समझती हूँ। हाँ, कुरान मैंने बामायने पढ़ा है, क्योंकि इनसाइड द कोर्ट बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जिसकी वजह से मुझे कुरान के बहुत सारे चीजों को बहुत डिग आउट करके पढ़ना पड़ता है, ताकि मैं अपने आप को पहले परफेक्ट करूं, तब मैं किसी और पर उंगली उठाऊंगी, इसलिए मुझे खुद को पहले सही से समझना और समझाना पड़ता है। तो जिस तरह के आप मुस्लिम हैं थे रह चुके थे, आप तो बहुत प्रो और प्योर इस्लाम वाले थे, और आप जब भी किसी को इनवाइट करते हैं, दावत देते हैं, जो आपकी लत जा नहीं रही है दावत देने की, तो आप उसके साथ कभी हवाबाजी में बात नहीं करते हैं, आप हमेशा सत्य के आधार पर और हदीस के पन्नों को और कुरान के पन्नों को खोल करके दिखा करके पढ़ करके सुना करके आप उस पर बात करते हैं। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा संविधान उन मोहतरमा को पढ़ लेना चाहिए जो शायद कुछ भी बोले जा रही हैं और सवाल उनसे कुछ और किया जा रहा है और वो जवाब कुछ और दे रही हैं। ये बावलापन सही नहीं है, पर कभी कभी गलती हो जाती है। चलो अच्छा, इसमें एक लास्ट, क्योंकि मैंने आपसे वादा किया था कि हम 30 मिनट के लगभग आसपास जो है खत्म करेंगे, वरना हम आपको छोड़ते नहीं है जल्दी, लेकिन लेकिन वादे के मुताबिक वादा इस बार निभाना भी है। तो ये मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि मोहतरमा ने ये भी कहा कि भाई एक्स मुस्लिमों के वजह से अब जो सनातनी है, हिंदूज है, उनका मामला ये हो गया है कि देश के जो मुसलमान है
अब हिंदूज उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि जब तक आप एक्स मुस्लिम नहीं बनेंगे हम आपको देश के प्रति वफादार नहीं मानेंगे या देश देशभक्त नहीं मानेंगे या हम आपको गद्दार मानेंगे। मुझे ये समझना है या उनसे जवाब चाहिए कि भाई हमने कब ये सनातनियों से या जो नॉन मोमिन है उनके अंदर ये एक्सपेक्टेशन डाला है कि भाई नहीं जब तक ये एक्स मुस्लिम नहीं हो जाते तब तक ये अच्छे भारतीय नहीं होंगे। हमारा तो कहना सिर्फ ये है कि आप मुसलमान रहो, आप कुछ भी रहो, आपको इस्लाम फॉलो करना आप करो, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन सबसे आगे, सबसे ऊपर, देश सबसे ऊपर, बाकी सारी बातें उसके नीचे। ये कहने में मोहतरमा को ये क्यों लग रहा है कि हम सबको ये सिखा रहे हैं कि जब तक एक्स मुस्लिम नहीं बनेंगे तब तक ट्रस्ट मत करो, ये बात कह रहा है। अगर ऐसा होता लेडीज जो है जब तक वो बिंदी और वो पता नहीं साड़ी ना पहने तब तक वो जो है वो देश के प्रति वफादार नहीं हो सके, ये सारी बातें कहां से इनके दिमाग में चलती है? Oh my God, मैं तो मतलब I think 200 दिन तो मैं व्हाइट शर्ट और ब्लैक पैंट में होती हूँ, पर मुझे तो भारत की बेटी कहा जाता है। द एंटायर भारत नोज वेरी वेल, इवन पाकिस्तान भी जानता है बहुत अच्छे से इस बात को कि मुझे भारत की बेटी कहा जाता है। एंड आई रियली लव बिंदी। मुझे साड़ी पहनने में मुझे बहुत तकलीफ होती है, बहुत टफ है, पहनना भी बहुत प्रॉपर नहीं आता है। तो मुझे लग रहा है कि कुछ नशा वशा का कुछ व्यापार या कुछ ऐसी कोई बात तो नहीं थी जो कुछ भी कह डाला है बेचारी ने। ऐसा तो कुछ नहीं था। आपने को भी वही नशा मांगता है? नहीं नहीं, हाँ सॉरी, मैं तो इन चीजों से बहुत दूर रहती हूँ। लेकिन मैं इस मुझे लगता है कि इस देश की जितने भी मेरे सनातनी भाई हैं और जो मुझे बहुत प्यार करते हैं, मुझे बहुत मोहब्बत करते हैं, और वो जितनी मुसलमान महिलाएं जो मुझे बहुत मोहब्बत करती हैं, जो अपनी दर्द पीड़ा लेकर के मेरे चैम्बर में आती हैं, इवन दूर दूर से आती हैं, अलग स्टेट से आती हैं, मैं उन तमाम लोगों से कहूंगी कि अगर वो इस हमारे कन्फ्रंटेशन को साहिल के साथ देख रही हैं तो मेरे तमाम सनातनी भाई इस बात का जवाब वो खुद दे देंगे। क्योंकि नाजिया इलाही खान को तो कभी किसी सनातनी भाई ने या बहन ने या पुरोहित ने या पंडित ने या किसी माता ने कभी भी किसी ने भी मुझे नहीं कहा कि नाजिया तुम जब तक एक्स मुस्लिम नहीं होगी तब तक हम लोग तुमको वफादार नहीं मानेंगे। और अटल जी के जमाने में ही जब बीजेपी में अटल जी भारत के प्रधानमंत्री बने थे तो उस जमाने में ही एपीजे अब्दुल कलाम जी को भारत का प्रेसिडेंट बनाया गया था। तो अगर वो टारगेट मोदी जी के सरकार को करना चाह रही हैं और भारत के 82.7% सनातनियों को करना चाह रही हैं, तो आज ये टॉपिक का जवाब मैं उन सनातनियों पर ही छोड़ती हूँ। क्योंकि मैं तो सीना ठोक करके और दावा लेकर कहती हूँ कि भारत को भारत की पुत्री और भारत का पुत्र चाहिए। उनको कोई कास्ट और रिलीजन नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। योगी महाराज जी, अभी कुछ दिन पहले वर्ल्ड कप अभी खत्म हुआ है, आंख के आंसू रुके भी नहीं है मेरे तो, क्योंकि मैं मैथ से कुछ ज्यादा ही अटैच्ड रहती हूँ और बड़ी एक्टिव रहती हूँ। तो जब इंडिया हार गया तो मैं तो खूब रोई हूँ, जबरदस्त रोई हूँ। तो आपकी आंखें अभी भी नम लग रही है मुझे। हाँ, मैं बात कर रही हूँ ना तो मुझे थोड़ा सा देखो आंख में पानी आ गया है मुझे मेरा, और मतलब दिस इज नॉट ड्रामा, एक्चुअली मेरे आंख में पानी आ गया है क्योंकि मैं बहुत ज्यादा अटैच्ड हो गई थी। और 10 मैचेस जब जीत गया भारत तो एक अलग से ना एक वो आ गया था कॉन्फिडेंस के, अब तो भाई वर्ल्ड कप हमारा ही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मोहम्मद शमी के प्रदर्शन को लेकर के योगी महाराज जी ने उनके गांव में शमी स्टेडियम का ऐलान कर दिया और काम शुरू भी हो गया। अरे वाह। कुछ दिन पहले हमारे तीन जवान जो है कश्मीर में वीरगति प्राप्त किए थे, उसमें एक मोहम्मद मुजम्मिल जी थे, डिप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, उनके फादर ने तिरंगे झंडे में उनको दफन करवाया था जी, कंधा तिरंगे झंडे में। और भारत के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और राजनाथ सिंह जी मिलने के लिए गए थे मुजम्मिल जी के पिता से। अटल बिहारी वाजपेयी जी के जमाने में एपीजे अब्दुल कलाम जी को प्रेसिडेंट बनाया गया।
पूरा भारत नाजिया को भारत की बेटी बोलता है। सो आई डोंट थिंक कि यहाँ पर कोई कास्ट और क्रीड का कोई डिस्क्रिमिनेशन है। किसी एक पार्टी को और किसी एक भारत के प्रधानमंत्री को टारगेट करते करते अगर आप राष्ट्र की विरोधिता करने पर उतर आई हैं, तो फिर हम जैसे लोग और सनातनी काफी हैं निपटाने के लिए और निपटने के लिए। द थर्ड थिंग इज कि मैं जाते जाते आपको एक चीज साहिल बहुत क्लियरली कह देती हूँ कि राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियस आर्टिकल 25 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ भारत, हमेशा याद रखना, हमेशा जी। और अगर एक नाजिया आपके साथ है तो ये समझ कर रखना कि सर्वोच्च न्यायपालिका के अंदर 250 वकील आपके साथ है। तो इस महिला के ऊपर अगर आप किसी भी तरीके का कोई भी स्टेप, क्योंकि आप संविधान मानने वाले हैं, आप कोई भी धर्म मानने वाले नहीं है, आप संविधान मानने वाले हैं, किसी भी तरीके का कोई भी स्टेप, लीगल स्टेप अगर आप लेना चाहते हैं, तो नाजिया इज विथ यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच नाजिया। आपको साहिल एक चीज दोहरा दे रही हूँ, राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ भारत। अपने दिमाग के यहां पर तमाम एक्स मुस्लिम डाल लें, आपको कोई भी फोर्स नहीं कर सकता है कि आपको कौन सा रिलीजन मानना है, और आप अवेयरनेस फैला रहे हैं। दिस इज योर बिजनेस, दिस इज योर अवेयरनेस प्लेटफॉर्म, और आर्टिकल 19 क्लॉज जी आपको नहीं रोकता है कि आप इस चीज को बंद करें या आप इस चीज को खत्म करें। आप करो, आप संविधान मानने वाले हो, यू आर अ नाइस पर्सन इन दिस अर्थ। कि आप कोई धर्म मानने वाले हो ही नहीं, आप संविधान मानने वाले हो। तो मैं जब आपके चैनल पर बैठी थी पहली बार साहिल, तो मैंने आपको खुद कहा था कि आप मुझे जितना भी एक्सप्लेन कर दोगे मैं कहूंगी कि हाँ आप ये सही कह रहे हो, और आपने सही कहा है कि यहाँ पर ये हदीस में यहाँ पर औरत को गलत दिखाया गया है, औरत का मर्तबा नीचा दिखाया गया है, पर मैं इस्लाम नहीं छोड़ूंगी, ये मैंने खुद कहा था आपसे जी। पर आई हैव क्रेडिबिलिटी, I have capacity कि मैं आपके सामने आपके चैनल पर बैठ करके ये एक्सेप्ट करने को तैयार हूँ कि this is right and this is wrong, this is black and this is white, but मैं इस्लाम नहीं छोड़ूंगी। Exactly, मैं तो चाहता हूँ नाजिया जी, sorry मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, मैं तो चाहता हूँ कि हिंदुस्तान का हर एक मुसलमान, उसकी सोच आप जैसी हो जाए कि ठीक है मुझे इस्लाम नहीं छोड़ना है, we are absolutely fine, I never said that. We are absolutely fine. लेकिन जो गलत है उसको एक्नॉलेज करो, हाँ ये चीजें गलत है, वो भी इंसान थे, उनसे भी गलती होती, ये चीजें गलत है, हम जो चीजें हमको सही लग रही है हम वो लेंगे, लेकिन वी एक्नॉलेज दैट दिस इज रॉन्ग, बट स्टिल वी वॉन्ट टू बी अ मुस्लिम, वी वॉन्ट टू फॉलो इस्लाम, एब्सोल्युटली फाइन। तो मैंने ये बात आपसे पहले ही कह दिया था, एकदम लाइव पर कहा था, और उस वक्त लाइव पर 25,000 से ज्यादा लोग थे, और वो काफी हिट प्रोग्राम गया, और मैंने कहा कि आप मुझे जितनी बातें बताएंगे जहां पर गलत होगा मैं एक्सेप्ट करूंगी, आई हैव दैट क्रेडिबिलिटी कि हाँ भाई ये आप सही कह रहे हो, बट मैं नहीं छोड़ूंगी इस्लाम, दिस इज माय विश कि मैं नहीं छोड़ूंगी, और मैं मुस्लिम हूँ, और मैं याचिन प्राचीन हनुमान मंदिर जाती हूँ, और मैं अभी जाने वाली हूँ, मैं अक्षरधाम जाने वाली हूँ, उसके बाद फिर मैं केदारनाथ का मेरा प्लान हुआ है, मैं वहां जाने वाली हूँ, बस बिकॉज ऑफ माई ऑपरेशन और 15 दिन का बेड रेस्ट में मेरा बहुत सारा प्रोग्राम बहुत इधर उधर हो गया, लेकिन मैं जाने वाली हूँ। तो क्या मैं बाहर आने के बाद मुझे कहेंगे लोग कि ओ तुम तो अब फिर से दोबारा कलमा पढ़ो, और नाजिया तो अब मुसलमान बची ही नहीं, तो भाई लगेंगे आप पे। तो मैं फिर से कह दे रही हूँ कि मुझे वो चिट्ठी देखनी है जो हजरत जिब्राइल की तरफ से भारत के ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को या इमाम बुखारी को या रशीदी को या मदनी को आया होगा कि नाजिया प्राचीन हनुमान मंदिर से आई है, अब नाजिया मुसलमान नहीं थे, हो रह गई, तो वो जिब्राइल अलैहिस्सलाम की वो चिट्ठी मुझे दिखा देगा वो लोग, तो मैं ठीक है, फिर मैं कहूंगी कि इट्स ऑल राइट भाई, अब मैं मुस्लिम नहीं हूँ, लेकिन जब तक वो चिट्ठी मैं नहीं देखूंगी जिब्राइल अलैहिस्सलाम की, तब तक कोई भी किसी के बाप के अंदर ताकत नहीं है कि कोई मेरे से इस्लाम छुड़वा दे।
क्या बात, क्या बात, जबरदस्त। ये सारा मामला तो मुल्ला मौलवियों का यही है ना नाजिया जी, के भाई जिब्राइल का नाम ले लो, अल्लाह का नाम ले लो, रसूल का नाम ले लो, और उसके बाद फिर जो अवाम है भोली भाली और भेड़ जैसा चराओ इनको, क्योंकि इनको मालूम है कि हमारी अवाम जो है इनको बेवकूफ बनाया जा सकता है, और बचपन से वो सिखाई जाती है बेवकूफी अंडर में रहने की। योरसेल्फ, वैल्यू योरसेल्फ, बिकॉज आप अल्लाह का कलाम 501 रुपए में बेच करके, फातिया करके, चार लड्डू डब्बे से उठा करके कलाम बेच कर नहीं आ रहे हैं। सो वैल्यू योरसेल्फ, यू आर एन ऑर्नामेंट फॉर अस। थैंक यू सो मच। मैं ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा नाजिया जी, कुछ सुपर चैट्स में आपके लिए जरूर सवाल होंगे, वो लेके हम खत्म करेंगे। मिनी जी कह रहे हैं राइट टू लिव एंड एक्सेप्ट एनी रिलीजन शुड बी इंक्लूडेड। आई एम श्योर कॉन्स्टिट्यूशन में यू हैव द राइट टू यू नो डिनाउंस एनी रिलीजन, यू कैन लिव द रिलीजन। हाँ हाँ पूरा है, आप आर्टिकल 21, 14, 19 और आर्टिकल 25 आप पढ़े, आर्टिकल 19 का क्लॉज जी और क्लॉज सी जरूर पढ़े, तो आपको उसमें पूरा डिटेल्स मिल जाएगा। हिम छेत्री भाई कह रहे हैं साहिल ने परफ्यूम देने का वादा किया था। यार नाजिया जी आप जब भी आते हो लोग याद दिलाते रहते हैं कि परफ्यूम दिया या नहीं दिया, दिया भाई, दिसंबर का वादा यार। ऐसा हो गया हिम छेत्री जी के परफ्यूम बाकी हो गया, परफ्यूम क्योंकि डीले मिला तो जारा का एक शर्ट बाकी रह गया, फिर मैं उस दिन बैठी थी तो अरमानी का एक टी शर्ट बाकी रह गया था, और आज मैं बैठी हूँ तो चलो ठीक है एक मैंगो का टी शर्ट दे देना। ये मैंगो ब्रांड तो मैंने फर्स्ट टाइम सुना है बाबा, कितने सारे ब्रांड है दुनिया में। यो जो जी कह रहे हैं मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट्स इकोस टाइम एंड रिकॉर्डेड हिस्ट्री विद डेथ एंड डिस्ट्रक्शन टू सोसाइटी, येट दे डोंट फेल टू मेंशन वर्चुज ऑफ पीस एंड टॉलरेंस। ये बात आपकी बिल्कुल सही है, आई टोटली अग्री विथ यू। ये हमारे एक मोमिन भाई है, थोड़ा अहले चॉइस प्रो मैक्स है सलमान साहब, इसको मैं पढ़ूंगी। नाजिया नीड सम रियलिटी चेक वाया सम लॉयर्स ऑफ सम बेटर स्टेटस इन फ्यूचर। भाई मुझे बख्तबाजी बिल्कुल पसंद नहीं है। काफिर जी थैंक यू सो मच, आरके राव जी बहुत बहुत शुक्रिया, डॉक्टर नवीन गोपाल कह रहे याना ब्लॉक्ड मी फॉर आस्किंग हर टू डिबेट विथ यू। कितने को ब्लॉक करेगी यार, लाखों लोग जाके उनको मैसेज करें वो उनकी उंगलियां जो सूज जाएगी ब्लॉक करते करते। असली इंडियन सनातनी नाजिया सिस्टर, यू एंड साहिल ब्रदर हैव अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक मुस्लिम्स अ बेटर ह्यूमन, वी आर विथ यू, थैंक यू फॉर एवरीथिंग, थैंक यू सो मच असली सनातनी। यूनिक भाई बहुत बहुत शुक्रिया। संतोष पद्मकर जी कह रहे हैं सनातनी टोफ है नाजिया जी, थैंक यू। ब्लैक वेट साहब कह रहे हैं हर हर महादेव नाजिया दी, ध्रुव राती भाई कह रहे हैं ध्रुव ये भी बोला कि इस्लाम अच्छा है पर मोमिन फुलिश है और हिंदूज उन्हें कॉपी मत करो, और साबित किया कि राम शूद्र को नहीं मारा, राम को फॉलो करो भाई। तभी वो ध्रुव राती के जितने बने हैं ना वो सब उसके अगेंस्ट में, देखना कितने जल्दी जल्दी जाएंगे। नाखून से खतना भाई कह रहे रैपिडो में बाइक मोमिन चला रहा है और मैं पीछे बैठकर स्ट्रीम सुन रहा हूँ। डू गुड, सबसे बेस्ट, डू गुड। जस्ट यू वन वेलकम नाजिया जी। सबसे पहले बताया कि परफ्यूम और शर्ट्स मिली कि नहीं, अभी उन्होंने जवाब दे दिया है जस्ट यू वन भाई। दिस इज द लास्ट वन, इट्स नेक्स्ट नाजिया जी, एक ही दिल है कितने बार जीतोगे। आज आपने मेरा जीत लिया। तो थैंक यू सो मच नाजिया जी, मेरी तरफ से और सारी दर्शकों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। एंड आई मतलब प्रे तो नहीं बोलूंगा लेकिन मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप जल्दी से जल्दी सेहतमंद हो जाए, जो आपकी सर्जरी हुई थी आप पूरी तरीके से रिकवर हो जाए। और यार लोगों को मैं बता दूं कि ये महिला के अंदर पता नहीं इतना वो क्या कहते हैं उसको, जज्बा कहाँ से आता है कि सर्जरी होने के कुछ ही दिन बाद ये फिर से काम पे भी लग गई, 2 दिन के बाद इनको आराम करना चाहिए था लेकिन ये उसके बावजूद अपने काम पे लग गई। शी नीड्स टू रिकवर,
तो अपना बहुत ध्यान रखिएगा नाजिया जी, यू आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस ह्यूमन बीइंग। भाई जाते जाते कह रहे हैं याना डंगर के लिए। हाँ एक सजेशन मैं साहिल तुमको देते हुए जाना चाहती हूँ, यू आर लाइक अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, और जब मैं दोस्ती करती हूँ तो मैं आखिरी सांस तक निभाने की हिम्मत रखती हूँ। तुम काफी हिचकिचा जाते हो कि प्रे तो नहीं बोलूंगा, आशीर्वाद तो नहीं बोलूंगा, तो मुझे तुम हमेशा कहा करो कि नाजिया जी आप हमेशा संविधान की छत्र छाया में रहे। आय हाय हाय हमारी नई दुआ है अभी। हाँ संविधान आपका भला करे। ठीक है गुड गुड दैट्स अ गुड वन एक्चुअली इट्स अ गुड थिंग। चलो जैसे कि हमारे जैसे कि हमारे एक और एक एक्स मुस्लिम है जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ज्यादा इसमें फ्रेम में नहीं रहते हैं वो, लेकिन एक्टिविज्म बहुत जबरदस्त कर रहे हैं एक्स मुस्लिम जफर हेरेटिक साहब, तो वो साइंस हाफिज कहते हैं अल्लाह हाफिज के बदले साइंस हाफिज, तो हम उसी तरीके से संविधान हाफिज कहेंगे। हाँ बिल्कुल संविधान टाटा संविधान नहीं बस दो दो और हैं मैसेज उसके बाद हम खत्म कर देंगे। ह्यूमन बीइंग भाई कह रहे हैं याना डंगर के लिए एडम भाई को बुलाओ साहिल भाई, याना जी आना चाहिए ना, फिर हम नाजिया जी को भी बुला लेंगे और हमारे हुज्जतुल मुर्तदीन साहब को भी बुला लेंगे। अमित कह रहे हैं, अमित भाई कह रहे हैं भारत की बेटी को प्रणाम, सर आपको भी प्रणाम। और ओपनर आइज कह रहे दिस इज फॉर नाजिया जी, थैंक यू सो मच ओपनर आइज भाई। अमित आप कुछ बोल रहे थे जल्दी से उसके बाद खत्म करते हैं। हाँ मैं यही बोल रहा हूँ कि संविधान हूँ अकबर और संविधान हाफिज। वाह 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 थैंक यू सो मच वंस अगेन नाजिया जी, डू टेक केयर, फिर मिलेंगे एक नए कोई सब्जेक्ट के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया सारे दर्शकों का भी, बहुत बहुत शुक्रिया कि अन इवेंट टाइम में 4 बजे ऑलमोस्ट 5000 पीपल वर वॉचिंग अस लाइव, 4900 समथिंग, ये कमाल है हमारी नाजिया जी का। थैंक यू सो मच नाजिया जी, सभी लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। रात में मोमिन वाली स्ट्रीम में 9:30 बजे हम मिलेंगे आप सभी के साथ। टिल देन जय हिंद वंदे मातरम। अच्छा हाँ साहिल भाई कंफ्यूजन जी, भारत माता की जय। साहिल भाई लोगों को कंफ्यूजन है रात की स्ट्रीम होने वाली है कि नहीं, बोल दिया ना मैंने रात को मिलेंगे 9:30 बजे बिल्कुल। और अभी सभी दर्शकों से रिक्वेस्ट है रब्बानी जी की स्ट्रीम 5 मिनट में शुरू होगी तो वहाँ पे जुड़े सब लोग, रब्बानी जी के चैनल पर अभी स्ट्रीम होगी तो आप सभी लोग जो है वो रब्बानी जी के चैनल पर उनकी स्ट्रीम को जरूर देखें। थैंक यू सो मच गाइस वंस अगेन, UPID नंबर भेजिए ना सर, ये लीजिए मैं भेज रहा हूँ, मेरा नंबर इन्होंने बंद कर दिया है तो जीपे नंबर मेरा पूरी तरीके से बंद है, अगर किसी को सपोर्ट करना है तो वो पेटीएम या फोन पे या फिर ये जो अभी मैंने UPI नंबर डाला है UPI ID 8655181026@paytm इस पे आप कर सकते हैं। जीपे बंद है मतलब तकरीबन 10 दिन हो गया मुझे जीपे पर कोई सपोर्ट नहीं आ रहा है क्योंकि वो अकाउंट अभी बंद है जीपे का, आई कैनॉट रजिस्टर बिकॉज मेरा नंबर ब्लॉक किया गया है। ओके तो अगर किसी को जीपे है आपके पास पेटीएम फोन पे नहीं है तो आप जीपे पे ये वाला UPI ID डालकर आप कॉन्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। डॉक्टर राहुल जाते जाते कह रहे हैं सॉरी पर आप शिर्क कर रही हैं। हाँ यार अभी क्या कर सकते हैं बट ठीक है दैट इज फाइन। चलो भाई मिलेंगे हम 9:30 बजे, जय हिंद वंदे मातरम। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और कमेंट करना ना भूलो, इस वीडियो को भी आपने जो है वो वायरल करना है, जैसा याना मीर जी के वीडियो पे रिएक्शन वाला जो वीडियो था वो काफी उस पर व्यूज आए हैं तो ये वाले पे भी आप लोगों ने व्यूज लाना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। द यूनिक कह रहे हैं सिक्स गुरु सेड इस्लाम मैसेज हैज बीन करप्टेड, यार करप्ट वो दूसरा मानता है ना, हम भी मानते हैं लेकिन मुसलमान उसको नहीं मानते और उसी वजह से हम यहाँ डिस्कशन करते हैं। चलो गाइस जय हिंद वंदे मातरम।